देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन जर्मनी में रहने वाले भारतीय अभी से मोदी की हैट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं। क्यों और कैसे, आपको दिखाते हैं जर्मनी से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र की पहचान वाला ढोल है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा कर उनका स्वागत कर रहे हैं। ताल से ताल मिलाकर ये ढोल बजाने की कोशिश है। वो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, वो बाहर खड़े हुए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। देश में तो ऐसे नजारे आम हैं, लेकिन विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें बर्लिन के उसी हॉल की हैं, जहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुंचे और पूरे हॉल में पीएम मोदी के लिए ये नारे गूंजने लगे। दो हजार 2024 के चुनाव में अभी करीब 24 महीने बाकी हैं, लेकिन भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर जर्मनी में बैठे भारतीय मूल के लोगों को भी लगता है कि जब तक मोदी है तो भारत में बदलाव मुमकिन है। जर्मनी में पीएम मोदी के दौरे को कवर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने इस कार्यक्रम के बाद भारतीय मूल के लोगों से बात की और पीएम मोदी के लिए इस क्रेज की वजह जानी। हमें तो बहुत सारी चीजें आज मालूम पड़ी इंडिया के बारे में। इनफैक्ट जर्मनी में कब से हैं? मैं 20 साल हो गए इंडिया छोड़ के आया था, और अभी जो इंडिया के बारे में सुन तो अभी भी देखता हूँ, आई थिंक इट्स जस्ट वंडरफुल। उसका नंबर्स जो बात किया है इम्प्रूवमेंट इंडिया के बारे में, वो माइंड ब्लोइंग है, गूज़बम्प्स आ गया है। पीएम मोदी ने बर्लिन से रवाना होने से पहले सड़कों पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की और उनका हाल चाल जाना। एक बच्ची के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पीएम, और जम्मू से आया हुआ ये परिवार है जो अचानक यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि उन्हें झलक मिल जाए, और उन्होंने इस तरह से उम्मीद भी नहीं की होगी, और प्रधानमंत्री ने अचानक रुककर बच्चे को रुककर और बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से अब डेनमार्क पहुंच गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। यहां भी पीएम भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद फ्रांस के लिए रवाना हो जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।